इस समय हम लोग डेनेप्रो जाने का प्रयास कर रहे हैं एलेना के साथ। हमारे साथ राजेश पवार भी है, कैमरामैन पवन भी है, और एकाएक एक आर्मी चेक पॉइंट पे उन्होंने डर के हमारे ऊपर फायरिंग की, एक के बाद एक कई राउंड फायर किए, लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे। तो ये जो रियल वॉर जोन है ये वही है। यहाँ पर कुछ जले हुए रूसी टैंक भी थे, कुछ एक्सीडेंट हुई गाड़ियां भी थी। ये दिखाता है कि यहाँ पर तनाव बहुत ज्यादा है। दाहिनी तरफ रह रहे हैं, जगह जगह पेड़ काटे हुए हैं सड़क पे ट्रैफिक को रोकने के लिए। जैसे पवन आपको उस तरफ दिखाएंगे कि ट्रैफिक बंद है, अब मैं बाएं तरफ निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्टी तरफ से अब हमारी गाड़ी जा रही है। नाटो देश यूक्रेन की मदद करके अपनी हो रही आलोचना को कम करने में जुटे हैं। अमेरिका ब्रिटेन पहले ही रूस से लड़ने से इनकार कर चुका है। ऐसे में रूस को रोकने का सारा दारोमदार यूक्रेन के कंधों पर आ गया है। रूस और यूक्रेन की जंग से दो सबक सीखे जा सकते हैं। पहला ये कि तानाशाह सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार करते हैं और जनता से जुड़ा नेता लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। अफगानिस्तान के अशरफ गनी, लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन जब विदेशी हमलों की जद में आए तो अपनी जान बचाने के लिए भागते देखे, लेकिन जेलेंस्की ने साबित कर दिया कि नेता वही है जो मुसीबत में भी सबसे आगे रहकर मुकाबला करे। वहीं यूक्रेन की इस जंग का दूसरा बड़ा सबक ये है कि कोई कितना भी आपकी मदद करे, अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। इसीलिए अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर देश को हमेशा तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी भारत से मदद मांगी है, और ये मदद केवल वहां के राष्ट्रपति नहीं, वहां के राजदूत ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी और की बात सुने न सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर सुनेंगे। और भारत में भी जबरदस्त तरीके से मीम्स इस समय निकल कर आ रहे हैं। हम दो मिनट यहाँ गाड़ी इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि ईंधन भराना बहुत जरूरी हो गया है। हम पिछले करीब 3 घंटे से चल रहे हैं और ईंधन भराना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि देश भर में जिस तरह के मीम्स बनकर आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। और यही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहाँ की जनता से भी कहा है कि युद्ध लड़े किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए। यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन की सुबह लगातार खौफ के बीच अलर्ट करते सायरन से होती है। जब यूक्रेन में हर नागरिक को नहीं पता होता कि रूस का बम कब गिर जाएगा, जब जिंदगियां सफर के लिए इस्तेमाल होने वाले मेट्रो स्टेशन और सबवे के भीतर बम शेल्टर के तौर पर बेबस सिमटी नजर आती है, जब यूक्रेन के शहर लीव के भीतर अचानक सुरक्षा के लिए छिपने का अनाउंसमेंट सुनकर लोग दुबक जाते हैं, तब एक हास्य कलाकार जो रूस समर्थक को हराकर यूक्रेन का राष्ट्रपति बनता है वो सैनिक की वर्दी में दिखते हैं, इसलिए ताकि खुद से कई गुना शक्तिशाली रूस के आक्रमण के बीच अकेला छोड़ दिया गया यूक्रेन युद्ध लड़ सके। और तब आती है एक राष्ट्रपति की देश और दुनिया के नाम मारने की अपील, जिसमें राष्ट्रपति कहते हैं वो हमें नाजी बताते हैं। एक देश नाजी कैसे कहा जा सकता है जिसने नाजियों को मिटाने के लिए अपने 80 लाख से ज्यादा लोगों को गवा दिया। तब यूक्रेन के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर सामने आए इस वीडियो को देखिए, ये सत्य है तो दाद दीजिए यूक्रेन के इस नागरिक की, जो बिना डरे दावा है राजधानी कीव की तरफ आते रूस के टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों के सामने डट कर खड़ा होता है, रूस की फोर्स के काफिले को डगमगा देता है। एक बार यूं रोकने की कोशिश करता हुआ यूक्रेन का नागरिक, इन्हीं नागरिकों की रक्षा के लिए अकेले युद्ध लड़ने की बात करते राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपील करते हैं, कहते हैं मैं नाजी कैसे हो सकता हूँ जब मेरे दादा सोवियत इन्फेंट्री का हिस्सा होकर युद्ध में हिस्सा लेते हैं और आजाद यूक्रेन में एक कर्नल के तौर पर जान गंवा देते हैं। उसी यूक्रेन में दावा होता है कि हजारों नागरिक अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में भागते नहीं, रुकते हैं, जिन्हें इस वीडियो के जरिए दावा किया जाता है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से हथियार दिया गया। यूक्रेन का इतिहास ऐसा ही रहा, रूस की जहां एक्टिव सेना के जवान 8.5 लाख, यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख जवान, तब नागरिक आगे आते हैं, हथियार उठाते हैं। ऐसे यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते, न कोल्ड वॉर, न हॉट वॉर, न हाइब्रिड,
लेकिन दुश्मन हमला करेगा, हमारा देश हमसे छीनना चाहेगा, हमारी आजादी, हमारे बच्चों के जीवन को, तो हम खुद की रक्षा करेंगे, मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। इस युद्ध से कोई कुछ और ना सीखे तो ये जरूर सीख ले कि राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ा कैसे जाता है। यूक्रेन के सोशल मीडिया से वायरल वीडियो में दावा है कि अपने देश में आकर खड़े रूस के जवानों के सामने यूक्रेन की महिला डट जाती पूछती है कि तुम मेरे देश में क्या कर रहे हो। इस बातचीत में जो दावा हुआ है वो सुनिएगा। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास भले 6 गुना ज्यादा टैंक होंगे, लेकिन यूक्रेन में रूस के जवान के सामने 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इस महिला ने राष्ट्रपति की अपील की गवाही दे दी, जिन्होंने कहा है कि हम अलग हैं, सिर्फ यही हमारे दुश्मन हो जाने की वजह नहीं बन जानी चाहिए। जब आप हम पर हमला करेंगे तो आप हमारे चेहरे देखेंगे, हमारी पीठ नहीं, हमारे चेहरे। आप देखिए उस चेहरे को जहां एक पिता यूक्रेन में देश की रक्षा के लिए निकलते हैं, बेटी पिता को भावुक विदाई एक कागज पर संदेश लिखकर देती है। भावनाएं पिता और बेटी की आंखों से छलकते हैं, पिता बेटी को गले लगा लेते हैं। पिता और बेटी के संवाद के लिए किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। रूस बम गिरा सकता है, मिसाइल फेंक सकता है, लेकिन एक देश के नागरिकों का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं गिरा सकता। तभी तो कीव काउंसिल के सदस्य तक हाथ में हथियार लेकर यूक्रेन में टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने निकल पड़ते हैं। ऐसे ही यूक्रेन के लिए लड़ने निकले हर नागरिक के नाम राष्ट्रपति का संदेश आता है कि वो यानी पुतिन कहते हैं, मैंने बम गिराने को कहा, बिना सवाल के गोलियां चलाने को कहा। सवाल है कि हम किसे गोली मारेंगे, कहां बम गिराएंगे, जहां मैं दर्जनों बार रहा हूं, जिन लोगों के चेहरे और आंखें मैंने देखी हैं। अपने लिए यूक्रेन को खतरा बताने वाले रूस ने आक्रमण किया, वो यूक्रेन जो रूस का ही कभी हिस्सा रहा, अब युद्ध छिड़ा तो यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से मदद मांगी। देखिए यूक्रेन के गृह मंत्रालय की इस पोस्ट को, जिसमें नागरिकों से मदद मांगते हुए लिखा गया कि देश के लोग आगे आएं, रूस की फोर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के झंडे के साथ बाहर निकलें, वीडियो बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि रूस कब्जा करने वाला देश है, कोई आजादी देने वाला देश नहीं। रूस के 11 युद्धपोत के मुकाबले जिस यूक्रेन के पास सिर्फ एक है, जिस यूक्रेन के पास रूस से 14 गुना कम एयरक्राफ्ट हैं, वो देश अपनी रक्षा के लिए नागरिकों के सहारे है। तभी तो देखिए पहले यूक्रेन के गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकों को खुद पेट्रोल बम बनाने की विधि बताते हुए पोस्ट शेयर कर दी जाती है, ताकि यूक्रेन के नागरिक पेट्रोल बम बनाकर रूस की बढ़ती हुई सेना को रोकने का काम करें। फिर कीव के पास पेट्रोल बम बने हुए नजर आते हैं। आपको हम बताते हैं और दिखाते हैं वो तस्वीर कि जब तनाव बढ़ने से पहले ही यूक्रेन के नागरिकों को पेट्रोल बम बनाकर चलाने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन की सेना की तरफ से दी गई थी, जिसका नतीजा है कि नागरिक यूक्रेन के पेट्रोल बम बनाकर अब उन्हें इकट्ठा करके रखते हैं। ये साफ अब तक नहीं हुआ कि क्या इसका इस्तेमाल रूस के टैंक बर्बाद करने के लिए जनता ने किया है या वो आगे करने वाले हैं। मारने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते यूक्रेन के राष्ट्रपति तभी तो कहते हैं हम शांति, सिद्धांत और न्याय की बात कर रहे हैं। हर किसी को अपना भविष्य तय करने का हक हो, हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की और बिना धमकियों के जीने की। यूक्रेन युद्ध का मैदान बना, जिसे कहा जा रहा है कि सरेंडर करो तो बात होगी। उस यूक्रेन में एक बार फिर सुरक्षा की चिंता है, जिनके राष्ट्रपति जेलेंस्की 5 दिन पहले ही यूक्रेन के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसी राष्ट्र में एक बार फिर नागरिक और जवान दोनों युद्ध में शहीद हो रहे हैं।